Hey everyone, this is Simran here and you're watching my channel My Big Dreams. Hope you all are doing great guys. तो आज है संडे और मायरा बिल्कुल तैयार हो गए बिकॉज ये अम्मी के साथ कहीं बाहर जा रही है. अम्मी भाई और मायरा कहीं जा रहे हैं इसलिए ये तैयार हो गई है. ये भी तैयार है लेकिन ये कहीं नहीं जा रही है. देखिए इसने छोटा सा पर्स डाला हुआ है जो हमने मायरा के लिए लाया था. तो अभी मैं भी शावर लेने जाऊंगी और आज का दिन कैसे जाता है मैं पूरा आपके साथ शेयर करूंगी. और मैम के HM मैम जो है उनके घर से हमें इफ्तार की पार्टी इनवाइटेड है. हम लोग सारे टीचर्स इंशाल्लाह मैं हो सके तो जाऊंगी क्योंकि मेरा दूसरा प्लान है कहीं कहीं और जाने का. अगर होगा तो मैं जाऊँगी और ज़रूर वहाँ का भी अपडेट दूँगी. तो स्टे ट्यून विद दिस व्लॉग गाइज. तो मैंने शावर वगैरह ले लिया है गाइज और क्योंकि मैं कभी सो रही है अम्मी मैंने जैसे कि बताया था वो निकल गई है अभी यहाँ पे नहीं है इसलिए अभी माया सो रही थी तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मैं नहा लेती हूँ फिर अगर वो उठ जाएगी तो कोई भी नहीं है उसे देखने के लिए. अगर बेसिकली घर में जब मुझे कोई भी काम करना होता है तो मैं ऊपर अम्मी के घर पे उसे मायरा को महक को भेज देती हूँ और मेरे सारे काम हो जाते हैं आपको तो पता है. तो नेक्स्ट जो मेन बात करने वाली हूँ मैं ये कि बीच में मैंने सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया था. आई नो मोस्ट ऑफ द गर्ल आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी 30% लोग है ना सनस्क्रीन बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं इंक्लूडिंग मी. जहाँ तक मुझे पता है इंडियन जो भी गर्ल्स हैं बिकॉज हम लोग या तो फाउंडेशन लगाते हैं या फिर कोई भी एक क्रीम लगाते हैं उसके ऊपर लूज पाउडर एंड वी आर गुड टू गो. लेकिन सेम हियर मैं भी ऐसा ही करती थी तो बहुत ज़्यादा मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी. अभी थोड़ा मैं चेंजेस देख रही हूँ. एक्चुअली मेरे पास था ये सनस्क्रीन लैक्मी का मैं सन एक्सपर्ट यूज़ करने के लिए मैंने लिया था लेकिन पता नहीं आफ्टर लेने के बाद ये 1 वीक मैं बहुत अच्छे से सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. हाँ तो 1 वीक में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है कि हाँ अप्लाई करना है सोना है ऐसा अच्छे से मैं टेक केयर करती हूँ. फिर उसके बाद जैसे 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 दिन बढ़ते हैं मेरा सारा ध्यान उस पर से निकल जाता है और मैं लिटरली स्टॉप कर देती हूँ चीज़ें यूज़ करना. तो इसका तो मैंने एक्सपायरी डेट हो गया है 23 जैन में ही ख़त्म हो गया है इसका एक्सपायरी डेट. तो इसलिए मैंने ये दूसरा वाला पर्पल से मंगाया है. इसकी खास बात ये है गाइज ये टिन सनस्क्रीन है विच मीन्स ये आपको क्रीम फॉर्म में मिलेगा जो कि ऐसा नहीं है कि पहले हमें सनस्क्रीन लगाना है उसके बाद क्रीम लगाना है ऐसा कुछ भी नहीं है. आप डायरेक्ट इसे ये क्रीम फॉर्म में है प्लस ये सनस्क्रीन है. तो ये आप एज अ डे क्रीम आपकी मैं सजेस्ट करूँगी ये अप्लाई कीजिए एंड लूज पाउडर आपको अगर चाहिए तो अप्लाई कीजिए एंड यू आर गुड टू गो गाइज. मैं आई थिंक 12 डेज से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा फर्क देख रही हूँ नॉट इन ओनली डे टाइम. आप नाइट टाइम में भी अगर आपको चाहिए तो एज अ नाइट क्रीम भी आप लगा सकते हैं. इसमें 97% आपको UVB रेस से ही आपको बचाता है. ज़्यादातर हमारी स्किन जो है ख़राब इसीलिए होती है बिकॉज हम बाहर जाते हैं डस्ट घुसता है स्किन के अंदर ओपन पोर्स एंड ऑयली स्किन हो जाती है. देन अभी तो समर है तो डेफिनेटली मैं इसे आपको सजेस्ट करूँगी. देन मैं इसे पर्पल से मंगाई थी पर्पल ऐप से. इसका एक प्राइस जो है 100 ml का आता है ये. सो सिर्फ एक इसका प्राइस जो है 525 rupees है लेकिन मुझे पर्पल से ये सिर्फ 350 rupees में मिला है इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस. तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 175 rupees मैंने यहाँ पे इसमें से सेव हो गए मेरे. एंड इसके साथ साथ पर्पल की ये बहुत अच्छी बात है कि कभी भी आप कुछ भी ऑर्डर करें यहाँ पे
डेफिनेटली आपको कुछ कोई ना कोई वो लोग गिफ्ट उसमें आपको ऐड करके ही देते हैं। तो ये मुझे ये गिफ्ट मिला है, डी टैन ग्लो डे क्रीम है ये एक्चुअली। तो इट कॉस्ट 150 रुपीज़ गाइस, बहुत बहुत बढ़िया है। तो 175 प्लस 150 आपको ऑलमोस्ट 325, जितना आपने परचेज किया है उतना आपको रिटर्न भी यहाँ पे सेविंग मिल जाती है। तो डेफिनेटली डेफिनेटली गो फॉर दिस। जिस जो भी स्किन प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं डेफिनेटली अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत बहुत ज़्यादा स्किन में इफेक्ट्स दिखाई देंगे। तो उसके बाद फिर से मैं कंटिन्यू करती हूँ अपना ब्लॉग, तो चलिए चलते हैं। एंड मैंने बातों बातों में भूल ही गई, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं कुछ ना कुछ भूल जाऊँ। मैं डेफिनेटली ये अप्लाई करके दिखाऊंगी। देखिए ये एज आई सेड ये क्रीम बेस में है, इस तरह से। बस इतना ही, बहुत ज़्यादा आई थिंक, मुझे लगता है ये 1 साल से ज़्यादा मुझे चल जाएगा आराम से, अगर मैं इसे डेली भी अप्लाई करूँ। ये बहुत ही मैट फिनिश देता है आपको गाइज, ऐसा नहीं कि वो ऑयली ऑयली टेक्सचर आपके फेस पर दिखाई देगा। बस इतना ही, देखिए आपको तो पता लग रहा होगा ना। अब इसके ऊपर मैं अच्छा सा एक लूज पाउडर, कोई भी लैक्मे का ही है मेरे पास, तो मैं वो लगा लेती हूँ। एंड दैट्स इट। मैं अभी अभी का मेरा जो भी मैं बाहर जाऊंगी, बस मेरा रमजान का मेकअप बस यही होगा, लिप ग्लॉस विथ आउटलाइन एंड दिस सन एक्सपर्ट टिन सन एक्सपर्ट एंड लूज पाउडर। आई एम रेडी टू गो। तो अभी बज रहे हैं 7:30 गाइस। मैंने बीच में कुछ भी शूट नहीं किया, पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। शूट करते करते मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट तो करती हूँ लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिस कर देती हूँ। आई थिंक मैं भूल जाती हूँ कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि मैंने शूट। तो अभी मुझे मज़र का कॉल आया था, हमने मज़र की शॉपिंग की थी डे बिफोर येस्टरडे। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, तो शर्ट जो है ट्राई नहीं किए थे उन्होंने, तो शायद उनको थोड़ा टाइट फील हो रहा है। अभी घर में आकर ट्राई करने के बाद थोड़ा टाइट फील हो रहा है, शायद इसीलिए हम लोग ने सोचा कि अच्छा ये होगा कि जा हम लोग अभी थोड़ी देर में शिवाजी नगर पहुंचेंगे। मैं सोच रही हूँ कि क्या क्या बार बार सेम वहीं के व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने कल का कुछ भी नहीं शेयर किया। इंशाल्लाह अभी मैं जा रही हूँ तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ ये सब मैं शेयर करूँगी कि क्या लिया था और क्या रिटर्न करके फिर हमने एक्सचेंज में क्या लिया, वो ज़रूर से मैं आपको दिखाऊंगी। हम चिप्स चिप्स खा ली। हाय करो, हाय हाय जन, हाय हाय। ओ बो। ¡Gracias!
फुल सिंपल हो गया ना। So that's it for this vlog guys, hope you all have enjoyed, please like, share and don't forget to subscribe my channel, see you in my next vlog, Allah Hafiz.